हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे घर के काम सारे निपट चुके हैं मेरे। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और दिया बाती भी मैंने कर ली है। अभी मैं आई हूँ दिया बाती करके, तो सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दें। तो चलिए, अभी मैं जा रही हूँ किचन में और सब लोग चले गए हैं ऑफिस, चले गए हस्बैंड, बच्चे गए हैं स्कूल। जैसे कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अक्रिस के 2-3 दिन बाद हैं, तो आज बेटी का लास्ट एग्ज़ाम है। तो आज मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं भी और बेटी भी साथ में, क्योंकि उसको पढ़ाना पड़ता है, अभी छोटी है। तो चलिए किचन में चलते हैं और सब लोग तो खा पी के चले गए हैं, अब अपने लिए नाश्ते में कुछ बना लेती हूँ। आज मैंने नाश्ते में रोटी नहीं बनाई थी मॉर्निंग में, और हस्बैंड फ्राई राइस लेके गए थे, बच्चों के लिए 2 पराठे बनाए थे, तो वो पराठा और अचार वगैरह लेके चले जाते हैं, और फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ उनके लिए कुछ। और यहाँ पर मैंने अपनी चाय बनाने के लिए रखी हुई है, ये देखिए चाय मेरी बस तैयार है। और ब्रेड लेके आए थे हस्बैंड, मैंने मॉर्निंग में हस्बैंड से ब्रेड मंगाए थे, तो अपने लिए ब्रेड थोड़ा सा सेक लेती हूँ बटर लगा के। और मैंने अपने किचन का लुक थोड़ा सा चेंज करा है, मैंने यहाँ पे अपना माइक्रोवेव ऊपर सेट कर दिया, नीचे थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, नहीं तो पूरे किचन में जगह नहीं बचती बिल्कुल भी। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़ लगा रखा है। बाकी मैं यहाँ के लिए अभी एक टेबल बनवाने वाली हूँ, अभी बच्चों की स्टडी टेबल थी एक्स्ट्रा जो, तो मैंने वो लगा रखी है। अब मैं यहाँ के लिए एक टेबल बनाऊंगी जो कि स्पेशल माइक्रोवेव के लिए बनाऊंगी, तो नीचे भी थोड़ा जगह बच जाएगी, तो मेरा सामान वहाँ भी कुछ एडजस्ट हो जाएगा। एकदम टेस्टी सा और हेल्दी सा नाश्ता जो कि मुझे बहुत पसंद है मॉर्निंग में इस तरीके की चीज़ें खाना। रोटी तो डेली खानी पड़ती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो हस्बैंड भी जाते हैं, तो उनके लिए रोटी या पराठा वगैरह ही बनता है या फिर पूड़ियाँ वगैरह बना लो, तो कभी कभार इस तरीके का लाइट नाश्ता करना चाहिए हमें। तो चलिए जल्दी से अपना नाश्ता इंजॉय कर लेती हूँ मैं। तो दोस्तों अभी मैं जाने लगी हूँ बच्चों को लेने स्कूल, 1 बज गया है, तो बच्चों को टाइम हो गया स्कूल से आने का। चलिए जल्दी से आते हैं बच्चों को लेके स्कूल से। एग्जाम कैसा गया आपका? अच्छा। अच्छा, सारे क्वेश्चन आंसर करे? कितने छोड़े? एक। पक्का? चलो कॉपी देखूंगी फिर बताऊंगी मैं। आप हिंदी की कॉपी देके खुश हो जाओगे। हाँ, दोनों में ही अच्छा काम करा होगा, औरों में नहीं करा है? क्यों करा, जब मैं पूरी सारी चीज़ आपको लर्न करा रही हूँ तो। आपने सारी चीज़ें कराई थी? हाँ, बड़ा बिल्कुल भी नहीं कराई थी। अक्रिस फिनिश। हाँ। खाना ले आऊं? ये देखो, खा लो इसको, नई डिश है। क्या चिपका दिया इसके ऊपर? कैडबरी जेम्स। तेरा दिमाग ऐसी खुरापाती चीजों में चलता है बेटा। हाँ, इसको तो भूख ही लगी रहती है 24 घंटे इस लड़के को। लंच फिनिश करा क्रिश? हाँ। कैसा लगा आज का लंच? अच्छा लगा। इतनी दो एप्पल, दो जैम की रोटी भरी थी। कितनी पतली रोटी बनाई थी मैंने आज आपके लिए, छोटी सी। खुश हो गए होंगे आप पतली रोटी खा के? पेट भरा नहीं भरा? भर गया था। क्या हो गया? तो मम्मा खेत में फेंक दूं? हाँ। ठीक है, चलो अभी खाना खाओ। हाँ, मुझे फोन देना, अभी आपको मत देना। ठीक है, चलो जल्दी फिनिश करेगा जो, वो गुड बॉय होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तू तो गुड गर्ल कमी होगी, तू तो बहुत टाइम लगाती है। जल्दी खाओ। ठीक है। ये देखो गाइस, मेरे पिट्टू की साइकिल। क्या आया था इसमें? वो कैबरी जैम्स। नो। हाँ। कैबरी जैम्स आए थे। चलो खाना खा जल्दी अब। तो जी अभी हम लंच करने लगे हैं और आज लंच में मैंने बना रखी है पीली वाली मसूर जो कि मेरे दोनों बच्चों की फेवरेट है। इनको डेली डेली मलका की दाल दे दो, ये खुश है, इनको और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भी अपने लिए दाल चावल रख दिया और मैंने अपने लिए रायता बना रखा है। बच्चे मेरे रायता बिल्कुल भी नहीं खाते, तो अपने लिए मैंने थोड़ा सा रायता बनाया है।
और ये देखिए मैंने अब जुड़ा बांध लिया। एक दिन का 3-4 हेयर स्टाइल मेरा चेंज हो जाता है मौसम के हिसाब से। सुबह मैंने बाल खोले थे, फिर लंच के टाइम मैंने क्लिप लगा लिया था, अभी मैंने जुड़ा बांध दिया है क्योंकि गर्मी लग रही है, तो बाहर से आने के बाद और ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैंने जुड़ा बांध लिया। तो देखें इतने सारे हेयर स्टाइल कोई चेंज करता होगा एक दिन में, एक हाउस वाइफ भी करती होगी क्योंकि हमसे खुले बाल रखे ही नहीं जाते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाल अभी मैंने बांध लिए हैं, फिलहाल लंच करते हैं और आपको मिलते हैं लंच के बाद। तो चलिए जी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबने आज का वीडियो एंजॉय किया हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।